हम अभी इंदौर बचा है यहाँ से 300 किलोमीटर, तो होप करता हूँ 1 बज रहा है तो 5 बजे से पहले पहले पहुँच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उड़ते चलते हैं। यार क्या लोकेशन है, क्या रोड है भाई, मध्य प्रदेश ने भी दिल खुश कर दिया। सीरियसली भाई, क्या फर्स्ट क्लास रोड है यार। मतलब सबसे बड़ी बात ना, ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे यार, मतलब बहुत कम ट्रैफिक है। और सीरियसली बाइक चलाने का जो मज़ा आ रहा है ना इस रोड पे, बहुत अमेजिंग मज़ा आ रहा है। साथ में यार जो अलग अलग सीनरीज आ रही है ना, वो बहुत अमेजिंग है यार। मानना पड़ेगा भाई, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। लोगों इस हाईवे को देख के ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अपनी भूसा की याद आ रही है। साइड में ये सीन और ये हाईवे, बहुत अमेजिंग यार, मतलब अल्टीमेट। अब ये लगा लो मेरे को कितनी अपनी भूसा की इस वक्त याद आ रही है, वो मैं ही जानता हूँ। हे भगवान, कोई बात नहीं, किस्मत होगी तो फिर आएंगे इस रोड पे भूसा के साथ, पक्के से प्रॉमिस आपसे, अगर किस्मत होगी तो। नहीं तो बाकी ये वाला रोड ट्रिप पहले कंप्लीट करते हैं। और इस रोड ट्रिप पे भाई सच में बहुत अमेजिंग मज़ा आ रहा है, फर्स्ट डे, और सीरियसली भाई बहुत मज़ा आ रहा है, नो डाउट। और अभी अपन आने वाला है भाई अपने यहाँ से, क्या रह गया, इंदौर ही आएगा भाई अब। इंदौर पता, आई मीन रुकना अपने को इंदौर है, उससे पहले काफ़ी सिटीज़ आएंगी जहाँ अपना कोई मतलब नहीं है, बट अपन इंदौर रुकेंगे यार। इसको हिमालयन को भाई खड़े होके चलाने का तो वो तो अलग ही लेवल का मज़ा है। क्या रोड है भाई, और साथ में ये देख लो भाई, सीनरीज देखो आप साइड में, दोनों साइड में क्या मस्त सीनरी हो रखी है यार, मतलब अमेजिंग। ये किसी ने भाई सच ही कहा है, कभी भी ना डेस्टिनेशन का मज़ा नहीं होता, जो मेन मज़ा होता है वो रास्ते का ही होता है। अरे अरे, भाई लोगों यहाँ पर ने किया था यार, थोड़ा मोटा स्नैक्स वगैरह लिए था, रेडबुल चाय वगैरह इधर ही पिया था। ये आपको मिलेगा भाई बबीना में, पवित्र जोधपुर स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट। तो जब भी इस रूट्स पे आऊँ तो एक बार ट्राई करना, ये काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है जी, ठीक है भैया। स्पीड पे चल रहे हैं भाई लोगों, 450 किलोमीटर कम्प्लीट कर चुके हैं, और अभी भी भाई लोगों 650 किलोमीटर बाकी है यार। जब भाई लोगों, यार एक चीज़ शेयर करनी थी यार, एक दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़ोर से खटक रही थी यार, जब हम सारी हिमालयन एक साथ चल रहे हैं ना, लिटरली जो बंदे नोटिस कर रहे हैं ना, मतलब वो बहुत अमेजिंग है। सबसे बड़ी बात भाई, सारी हिमालयन फुली लोडेड है, मतलब फुली जिसको कहते हैं ना अनलिमिटेड वाली लोडेड, भाई वो लोडेड है। आगे जो है ये HSR भाई के, इनके पैनियर्स और मेरे पैनियर्स सेम है, शिंगलिंग कंपनी के। और जो आगे धर्मेंद्र भी और युधिष्ठर भी आगे हैं, उनके भाई जो पैनियर्स हैं वो रॉयल इनफील्ड के हैं, और युधिष्ठर भाई साहब भैया के मैं वो नहीं है, क्या कहते हैं, टॉप बॉक्स नहीं है। जो टॉप बॉक्स भैया के पास है, धर्मेंद्र भैया के पास, वो भी शिंगलिंग कंपनी का ही है अपना। तो भाई शिंगलिंग कंपनी के मुझे टॉप बॉक्स और पैनियर दोनों अच्छे लगे। आपको खुद लुकिंग वाइज देखने, तो देखो सामने, मेरे सामने बाइक चल रही है HSR भाई की, तो इसमें पैनियर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप खुद देख लो कि कितने सेक्सी लग रहे हैं। और आगे जो लगे हुए हैं वो रॉयल एनफील्ड्स के लगे हुए हैं। तो भाई आई सजेस्ट फॉर दिस वन कि शिंगलिंग इज बेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, मतलब अनलिमिटेड वाले। भाई मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि शिंगलिंग पैनियर्स इज़ द बेस्ट पैनियर्स, और ये सिर्फ आपको मिलेंगे करण मोटोमार्ट पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा और उनका मोबाइल नंबर भी छोड़ दूंगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको इशू होता है कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली, और यू कैन बाय, और यू कैन वट एवर, मतलब जो भी आपको उनसे पूछना है या जानना है या फिर लेने हैं, तो डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों डाल दूंगा। बाकी यार एक साथ जब ये हिमालयस चल रही है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। डेट फीलिंग वॉज अनदर लेवल, सीरियसली। जब एक जैसी बाइक होती है ना और फुली लोडेड होती है, तो लाइक इट्स अमेजिंग फीलिंग यार। सो भाई लोगों, मैं ना काफ़ी टाइम से इसको क्रूज कंट्रोल पे चला रहा हूँ, मतलब करीबन 50-1 किलोमीटर से। तो एक पीछे एक ना अर्टिगा आ रही है, तो अर्टिगा में 2-3 मतलब अंकल व टाइप में थे, तो उन्होंने मेरे को रोका, मैं रुका, कहते बेटा ये बाइक ऑटोमेटिक है क्या? मैंने कहा अंकल क्या मतलब, नहीं मैं इसको बहुत देर से देख रहा हूँ बेटा, तुमने हाथ नहीं लगाया हुआ ना, तुमने पैर रखा हुआ है, अपना भी चले जा रही है, कितने की आती है, हम भी ले लेंगे ऐसी बाइक, तो फिर अपने बच्चों को हम यही दिलाएंगे ना। मैंने अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रूज़ कंट्रोल है, ऐसे ऐसे सेट करना पड़ता है, उनको पूरा समझाया। और मैंने कहा ये रिस्क होता है, ये तो अपन जिसको एक्सपीरियंस है वही लोग यूज़ कर सकते हैं।
अरे भाई जो मतलब अंकल कह रहे हैं बेटा, मैं तो समझ रहा ऑटोमेटिक है, मतलब मैं ले लेता हूँ और ये और वो, चाहे 10 की हो चाहे 11 लाख की हो। मैंने अंकल इतनी महंगी नहीं है, 2.5 लाख रुपये की बाइक है, अब जब मन चाहे रॉयल इनफील्ड से ले लेना, बट ये जो सारा कुछ किया हुआ है ये मैंने अलग से लगवाया हुआ है। और प्लीज़ आप इन चीज़ों का रिस्क तो बिल्कुल मत लेना क्रूज़ कंट्रोल का, और ना किसी को बताना। तो बोलते हैं हाँ बेटा ये भी ठीक है, बट वो मेरे को बोल रहे कि बेटा आप भी मत लगाया करो। मैंने कहा अंकल मैं देख दाख के लगाता हूँ, अब जैसे ये हम पर है तो मैं भाई क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट कर देता हूँ, उसके बाद एक्टिवेट किया और चल रहे। तो फिर बाकी बैलेंस भाई खुद से बनाना पड़ता है, और भाई इसकी बैलेंस और स्टेबिलिटी का तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग हिमालयन लवर हैं उनको तो पता ही है। सो भाई लोगों वैसे राइड में फुल ऑन मज़ा आ रहा है। 510 किलोमीटर अपन कवर कर चुके हैं, और मानो यार इतना ही और चलना है अभी, इससे थोड़ा ज़्यादा ही चलना है, मतलब 560 किलोमीटर और चलना है। सो गुड सो फार, ठीक है जी, चल रहे हैं धीरे धीरे। अब बस लंच करने का मन तो नहीं है, बट स्टिल कुछ तो खाएंगे छोटा मोटा हल्का फुल्का, जिससे पेट में भी कुछ रहना चाहिए भाई लोगों। तो धर्मेंद्र भैया वगैरह काफ़ी पीछे हैं, आगे अभी 100-150 किलोमीटर बाद, मतलब करीबन 5 बजे हम आसपास एक ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे वगैरह, फिर से चलने देंगे। वो सीनरी आप देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर देख पा रहे हो तो भाई कमेंट में यस करके मेरे को ज़रूर से बताना वो सामने वाली सीनरी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है भाई लोगों, बाकी आप खुद ही देख लो, अलग लेवल लग रहा है भाई। वो जो फैन चल रहा है ना एयर कटिंग वाला, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इवन ये देखिए भाई, भाई लोगों ये देखो यार, मतलब क्या अमेजिंग लग रहे हैं भाई ये सब, वाओ। 570 किलोमीटर सो गुड सो फार, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, सीरियसली फुल ऑन मज़ा चल रहा है, अलग ही लेवल की फील आ रही है, जो मैं आपको ना मतलब बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता यार, जो मतलब इस लेवल जो फील आ रही है ना मेरे को, मतलब मैं ही जानता हूँ वो क्या फीलिंग है यार, मतलब शायद आप भी वो फील कर पा रहे होगे। और ये सामने भाई एयर कटिंग जो फैन है कितना स्लो स्लो चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब मेरे को मतलब अजीब सा लग रहा है भाई। ऊपर से भाई ये सूरज मामा ने बहुत जान बचाई है, नो डाउट, मतलब जो लेवल की सर्दी थी ना पहले, तो सूरज मामा ने टाइम से आके हमारी जान वन सी बचा ली है। और भाई ये सामने देखो बाप, एयर कटिंग फैन बहुत सेक्सी लग रहे हैं भाई। भाई कितने सारे हैं वो देखो आगे, अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो अमेजिंग ब्रो, क्या सीनरी है भाई लोगों, देखो यार क्या सीनरी है, अमेजिंग। खास करके जो ये वाला है ना भाई, ये वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, लिटरली भाई दिल से प्यार सा हो गया, मतलब ओ यार, मतलब मनी भाई लोगों नीचे वो दिख रही है आपको पॉन्ड टाइप में, वो कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब अमेजिंग यार। भाई जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो आप फील कर पा रहे हो यार, जो मतलब ये जो सिनेरियो है ना वो बहुत अलग लेवल का है यार, वो देखो आप, ओहो क्या यार अमेजिंग सिनेरियो भाई। और जो रोड्स हैं भाई, मैं अगेन रोड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, सीरियसली मैं भाई रोड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, मतलब बहुत प्यार सा हो गया मेरे को। सो भाई लोगों अभी पीछे में एक बाइक पे दो भाई लोग मिले थे अपाची पर थे, एंड देयर वाज लाइक मी भैया बाइक बहुत सही लग रही है, सेक्सी लग रही है, मतलब इशारा दिया था उन्होंने और थोड़ा वीडियो वगैरह भी बनाया। तो भाई लोगों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों। मैं भाई लोगों रुकता ज़रूर, बट क्या करूँ अभी काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, और मुझे अभी इंदौर पहुँचना है, और मैं भाई पिछले काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा हूँ। ये वाला व्लॉग आप पूरा देख लेना, पूरा समझ जाओगे। सो अगली बार अगर आया तो आपसे ज़रूर मिलूँगा पक्का। तो यहाँ कुछ भाई मिल गए थे भाई MP के, तो मैंने बोला है सब्सक्राइब कर देंगे, और फोटोज़ वगैरह करवा रहे थे भाई लोगों। बाइक चलाते चलाते रात के बज गए 10:30, और बैटरी जो है ना अपनी बैटरी है वो डाउन हो चुकी है बहुत ज़्यादा हद लेवल पे,
बट क्या करें, अभी भी भाई 5 घंटे चलानी है बाइक। भगवान जी जल्दी जल्दी पहुंचवा दो यार। हे भगवान जी जल्दी जल्दी बुला लो अपने पास शिरडी वाले साईं बाबा, रास्ता छोटा कर दो। स्वागत नहीं करोगे हमारा महाराष्ट्र में? तो भाई लोगों फाइनली महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं और अभी यहाँ से करीबन है भाई 220 किलोमीटर के आसपास, तो मैक्स टू मैक्स हमें 2.5 घंटा और लगेगा। मतलब अभी 10:40 हो रहे हैं, अपन मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे जिस स्पीड से मैं और HSR भाई चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। धर्मेंद्र भी वगैरह लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनका वेट करेंगे या हम होटल ले लेंगे, जो ऐसा भी है वो हम बात कर लेंगे। तो अभी सीधा निकलते हैं भाई शिरडी के लिए, लेट नहीं करते हैं, अपन नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं। कान हो रही है ना भाई अलग लेवल, बहुत भयंकर। मतलब रेगुलर यार 24 घंटे बाइक चलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो भाई लोगों सुबह से 900 किलोमीटर पूरे कवर हो चुके हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो यार, पूरे 900 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और बाइक टोटल हो चुके हैं भाई 6060 किलोमीटर। यार अब बॉडी ना बिल्कुल थक चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है भाई बॉडी, और अभी भी कम से कम नहीं ज़्यादा नहीं 200 किलोमीटर बैठेगा शिरडी यहाँ से। अभी कहीं एक बार रुका जाए, चाय वाय पी जाए। भाई नासिक 180, मुंबई 360, नंदुरबार 60। तो भाई अपने को तो नासिक वाले रोड पे ही चलना है। फाइनली क्या बता रहा हूँ ना, 1000 से 100s में आ चुके हैं किलोमीटर, बस यहाँ से अभी रह गया भाई 100 किलोमीटर के अराउंड शिरडी। तो बस होप करता हूँ ये 10 हो जाए जल्दी से, और उसके बाद ये जल्दी से 0 हो जाए और हम सेफली पहुँच जाएँ और अपना रेस्ट कर लें, क्योंकि बॉडी में दम बची नहीं है। ये तो मैं और HSR भाई हैं जो आपस में मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बस मन लग रहा है और बाइक भागे जा रही है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं तो बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी थोड़े टाइम पहले। तो HSR पाजी ने क्या किया है, रेस लगाना चालू कर दिया मुझसे। तो अभी रेस चल रही है और आपको पता है भाई अच्छा नहीं जीत पाया मुझसे, तो सॉरी टचवुड। तो अभी मतलब भैया रेस लगा रहे हैं HSR भैया, वो अलग बात है कि जीत नहीं पाते मुझसे, बेचारे रह ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और भाई यहाँ से रह गए 100 किलोमीटर, यहाँ मतलब टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 3 घंटे का, बट इससे हम 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे मैक्स टू मैक्स। तो चलो जी चलते, सो फार सो सून, मिलते हैं आपको सीधा होटल पे। सो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, कल वाला तो व्लॉग आपने देख ही लिया होगा यार, 24 घंटे बाइक चलाने के बाद क्या हालत हो गई थी। हालत भाई एकदम कहते ना कुत्ते वाली हालत हो गई थी भाई, मतलब दिमाग का ना सब कुछ बंद हो चुका था कि क्या करें क्या ना करें। और भाई रात को क्या हुआ, हम तो आ गए थे आगे, मैं और HSR भाई आ गए थे आगे, धर्मेंद्र भी और युधिष्ठिर भी रह गए थे पीछे। तो शायद से उनकी बाइक में कोई कमी आ गई है चैन वगैरह में, तो वो लुब्रिकेंट कर करके बहुत आराम से आए। और मैं और HSR भैया तो भाई रेस लगाते हुए हैं चकाचक, जिससे हमारा मन भी लग गया और भाई पता भी लगा कब से कब यहाँ आ गए। कल रात को ना भाई अपन ने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी, और सीरियसली मैं अगर उसमें हिमालयन का रिव्यू दूँ ना तो भाई हिमालयन ने एक नंबर, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जो उसकी कवरिंग थी, जो उसका मतलब पैचेज ने उसमें जो क्लियर कर रही थी ना वो विद बैलेंसिंग, अमेजिंग था भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो भाई हिमालयन रानी है भाई इन चीज़ों की, कोई डाउट नहीं है। ऊपर से फुली लोडेड थी बाइक, मतलब पूरा सामान बने रखा था, बट फिर भी यार ऑफ रोडिंग में ना ऐसे जा रही थी मतलब क्या, मतलब मक्खन की तरह आराम से। तो भाई लोग रात को 3 बजे शिरडी पहुँचे थे हम, तो मतलब ये है कि 24 घंटे राइड करिए नॉन स्टॉप, तो क्या थोड़ा बहुत रुक के 1100 किलोमीटर। तो भाई बैक की शरीर के ना पूरी बैक हिप्स मतलब सारा कुछ पैर वगैरह सब जाम हो चुके थे अच्छे लेवल, बट कोई बात नहीं। रात को आते हमें यहाँ पर होटल मिल गया था, एक छोटा सा भाई था वो बाहर मिल गया था, तो बोला भैया होटल चाहिए। मैंने हाँ जी चाहिए यार, आओ मैं दिखाता हूँ। बहुत सस्ते होटल हैं यार, मतलब यहाँ पर क्या बताऊँ आपको, 1500 में हमने 2 रूम करे। ये अपना रूम है, पीछे देख सकते हो कैसा खिलारा मचा है, और ये देखो कैसे सो रहे हैं, अभी तक इनकी थकान नहीं उतरी है। अरे भाई लात मार लो पीछे, पता ही नहीं लगा कि सुन पड़े। बट कोई नहीं जी,
और बाकी पूरे रास्ते अपन ने बहुत मज़े किए हैं, फुल ऑन मस्ती मजाक करते हुए हैं। ट्रिप जो था फर्स्ट डे बहुत लंबा था, बट हमने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात ये है यार, बहुत अच्छे से कवर करने में। और अपनी जो स्पीड थी भाई वो 80-90-100 के बीच में आ रही थी, और एवरेज स्पीड देखी जाए तो 50-60, बट स्टिल बहुत मज़ा आया। और भाई अभी चल रहे हैं यहाँ से, नहा धो के रेडी वेडी हो के सीधे साईं बाबा के दर्शन करेंगे। ट्राई करूँगा आपको दर्शन करवा दूँ, मुझे लगता नहीं है कि अंदर कैमरा वगैरह लगा हुआ, बट स्टिल मैं फ़ोन लेके जाऊँगा। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में थोड़ी बहुत जो मिलेगी ना आपको व्लॉगिंग मिलेगी, तो वो फ़ोन की मिलेगी, बिकॉज ऑफ अंदर कैमरा वगैरह ये सब अलाउ नहीं है। तो अपन एक मोबाइल लेके जाएंगे, ट्राई करूँगा, अगर अंदर अलाउ होगा तो, अलाउ नहीं होगा तो मैं नहीं बनाऊँगा व्लॉग, क्योंकि यार मैं ना कहीं के रिचुअल्स वगैरह कुछ तोड़ नहीं सकता, जहाँ के टर्म्स कंडीशन या कुछ भी रूल्स वगैरह है आई कैंट ब्रेक। तो ट्राई करूँगा, हो सकेगा तो मैं पक्के से व्लॉग बनाऊंगा, अगर नहीं होगा तो आई एम रियली सो सॉरी। बट जो अपन मार्केट वगैरह जाएंगे यहाँ पर अभी, मतलब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ का सारा कुछ व्लॉग में पक्के से बनाने वाला हूँ। तो भाई लोगों, गोवा वाली सीरीज़ ये पहला व्लॉग था, तो प्लीज़ प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जितना हो सकता है भाई लोगों, और प्लीज़ जितना हो सके ना सपोर्ट करो अपने भाई को यार, और जितना हो सके शेयर करो। सो बाकी मज़ा बहुत आया इस राइड में, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तभी तो अभी उठ के व्लॉग बना रहा हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है भैया, पूरे 12 बज चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हमें नहाना भी है, सारा कुछ करना है। ओ माय गॉडनेस, और ये सारा कुछ जो फैला हुआ है ना पीछे, ये पैकिंग करनी है। और मेरे को सबसे बड़ी बात, पहले अपने लैपटॉप में और हार्ड ड्राइव में मेरे को अपना डाटा कॉपी करना है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो चलो जी, डाटा वाटा कॉपी करते हैं और इस वाले व्लॉग से लेंगे आपसे इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।